हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिकेट्सियास के बारे में। ओके, तो ये एग्जैक्टली स्टूडेंट्स रिकेट्सियास होता क्या है। एक्चुअली सबसे पहले इसको एक वायरस माना गया था, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट की रिसर्च के बेस पे ये कंक्लूजन निकला था कि नहीं, ये जो है सिमिलरिटीज रखता है प्रोकैरियोटिक के साथ, एंड इसका मतलब कि ये बैक्टीरिया के टाइप में ही आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ इसके जो फीचर थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो बैक्टीरिया से मैच करते थे। तो बाद में कंक्लूजन आया कि रिकेट्सियास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्राम नेगेटिव होता है, एंड उसको बैक्टीरिया में इंक्लूड किया गया। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को कि क्या होता है एग्जैक्टली ये। तो साइंटिस्ट H.T. रिकेट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 1909 में सबसे पहले डिस्कवर किया था इस ऑर्गेनिज्म रिकेट्सियास को। ओके, तो एग्जैक्टली साइंटिस्ट रिकेट्स को ये जो ऑर्गेनिज्म मिला था वो मिला कैसे था। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स की जो साइंटिस्ट रिकेट्स थे वो वर्क कर रहे थे एक डिसीज पे, एंड उस डिसीज का नाम था रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ओके, तो रॉकेट माउंटेन स्पॉटेड फीवर क्या है, एक डिसीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है, एंड उस बीमारी पे, ओके, उस डिसीज पे काम कर रहे थे साइंटिस्ट H.T. रिकेट्स। एंड रिसर्च के दौरान उनको एक ऑर्गेनिज्म मिला, एंड ऑर्गेनिज्म मतलब एक बैक्टीरिया टाइप का हमको ऑर्गेनिज्म मिला जिसको नाम दिया गया रिकेट्सियास। ओके, तो ये रिकेट्सियास कैसे होते हैं, बेसिकली ये माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। ओके, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो ऑर्गेनिज्म रिकेट्सिया हैं ये कभी भी अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर पाते हैं, लेकिन इनसाइड द, कहाँ पे, इनसाइड द होस्ट सेल, यानी कि किसी भी होस्ट सेल को ये इन्फेक्ट कर देते हैं। ओके, एंड वो अपने आप को जो ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं बेसिकली, तो वो सेल के अंदर ही करते हैं। ओके, एंड पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑब्लिगेट क्या होता है, जो सेल के अंदर अपने आप को ग्रोथ करता है एंड मल्टीप्लीकेशन करता है, साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, ये बताया था हमने ऑब्लिगेट के बारे में। तो ये जो रिकेट्सियास होते हैं ये ऑब्लिगेट होते हैं, इंट्रासेल्युलर होते हैं, एंड पैरासाइट्स हैं, मतलब कि फूड के लिए ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ओके, इसके अलावा ये जिस भी ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में यहाँ प्रेजेंट होते हैं ये रिकेट्सिया, तो जनरली ये सक करते हैं ब्लड को, यानी कि खून को चूस लेते हैं। ओके, उस ऑर्गेनिज्म से। तो इस टाइप से हमको बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स कीड़े वगैरह जो होते हैं ना वो देखने मिलते हैं। कई ऐसे कीड़े आपने सुने होंगे जो कि खून चूस लेते हैं, जैसे कि आपने सुने होंगे माइट्स हो गए, टिक्स हो गए, लाइसिस हो गए। तो ये जो है ना ये आपके बॉडी से चिपक करके आपके बॉडी के ब्लड को ना सक कर लेते हैं। ओके, तो ये जो रिकेट्सिया होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में, इवन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया के कंपेरिजन में भी इनकी साइज और छोटी होती है। ओके, एंड ये जो रिकेट्सिया होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर पाते हैं। ये रॉड शेप भी हो सकते हैं एंड स्फेरिकल शेप भी हो सकते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं हम कि इनकी बॉडी का शेप कैसे हो सकता है, तो स्फेयर में भी हो सकता है एंड रॉड शेप में भी हो सकता है। इसके अलावा ये जो रिकेट्सिया हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो मेथड यूज करते हैं वो है बाइनरी फिजन। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन रिकेट्सियास की जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके अलावा ये अपने अंदर DNA एंड RNA कंटेन करते हैं, एंड इन रिकेट्सियास की कैपेबिलिटी होती है कि ये प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियां इन द ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये इंसानों में बहुत सारी डिसीज जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये जो रिकेट्सिया हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स से अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड इन रिकेट्सियास की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो गया, टाइफस हो गया, रिकेट्सियल पॉक्स हो गया, क्यू फीवर हो गया। तो इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमको इंसानों में देखने को मिलती है इन रिकेट्सियास की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।